जय हो शंकरा आदि देव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्र देव रे महेश्वरा। Still we have 14 kilometers left. अभी मैगी टाइम है। तो गाइस अभी यहाँ पर चलना है, मैं बहुत पीछे से आ रहा हूँ। मैं एक आदमी का फोटो खींचूंगा उसके बाद यहाँ चले जाऊँगा। और यहाँ से जो भीमबली है वो बस 0.5 किलोमीटर ही रह गया, इसलिए और ज़्यादा दूर नहीं जाना। हाँ तो गाइस अभी हम लोग ब्रिज पर है, आप लोग देख सकते हो ब्रिज पर बहुत सारे आदमी फोटो खिंचा रहे हैं। तो हमको ऊपर जाना है और यहाँ का जो नजारा है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से केदारनाथ जो है बहुत तकरीबन 7 किलोमीटर रह गया, जब हमने आलू पराठा खाया था दही के साथ वहाँ पर ही। और जो वीडियो आपको देखा यहाँ पर मैं था, वो सब वीडियो मेरा उधर खींचा था, इसलिए तो अभी इस तरफ थोड़ा सा चलता है। और यहाँ पर नदी का टाइट का फ्लो बहुत ज़्यादा है। और अगर अभी ऐसे सीधा चलते चलते मगर मतलब नदी के पार पकड़ के अगर आप सीधा चलते चलते पहुँच जाते हो तो आप पहुँच जाओगे केदारनाथ, सीधा केदारनाथ। और आपको इतना भी घूमना नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा, तो बहुत ही अच्छा। तो अभी तो नदी पीछे एक बार देख लीजिए, तो मैं अभी आपसे मिलता हूँ केदारनाथ में। तो कैसे यहाँ पर हम लोग नींबू पानी पी रहे थे और नींबू पानी बहुत ही टेस्टी था और पीछे का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा है। और ये हम नींबू पानी पी रहे थे और यहाँ से केदारनाथ तकरीबन 7 किलोमीटर रहेगा, 7 किलोमीटर नहीं यहाँ से 6 किलोमीटर। ये हम लोग बस 1 किलोमीटर ऊपर आए हैं, तो अभी मैं आपको सीधा केदारनाथ में मिलूँगा। सो बाय। तो गए हम लोग केदारनाथ तो नहीं पहुँच सके, बस हम लोग उस दिन रात हो गया था इसलिए हम लोग केदारनाथ के बेस कैंप में रुके थे। और जहाँ पर हमको डबल बेड जो मतलब दो तरह बेड मिला था, एक बेड के नीचे और एक बेड, और ये हमारे बेस कैंप है।
और इस मतलब आपके राइट हैंड साइड में हमारा बेस कैंप है, और ऊपर जो दिख रहा है वो पहाड़ है, वहाँ से ग्लेशियर आया था, मतलब वहाँ से बोलना आया था केदारनाथ के लिए, तो वो पहाड़ बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ से, और सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, रात में बहुत ही अच्छा नज़ारा था, और आपको हेलीकॉप्टर दिखा ना अभी अभी, यहाँ पर बहुत हेलीकॉप्टर है सुबह से, मतलब हेलीकॉप्टर का कोई नाम, मतलब बहुत हेलीकॉप्टर है, और रात में हम लोग यहाँ पर खाए थे, बहुत ही अच्छा खाना था, चावल और पूरियाँ, दाल और सब्जी जो कि था 200 रुपये प्लेट, और यहाँ पर हेड 800 रुपये में पड़ा हम लोगों को, पर हेड 800 रुपये जी एम वी एन में, ये जी एम वी एन है सरकारी, हम लोग यहाँ पर आया था केदारनाथ बेस कैंप में, और रात का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, तो चलिए अभी केदारनाथ में मिलते हैं। यहाँ पर भाई सुबह दे रहे हो कि अभी हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं खिचड़ी और पायस, जो कि यहाँ पर राम का भोग में दिया है, के लिए हमरा अखन श्री राम का अच्छा है भोग कच्ची, मैं तो बहुत अच्छे से खा रहा था, तो मैं आपको पीछे मंदाकिनी रिवर दिखाता हूँ, ये मंदाकिनी रिवर, यहाँ पर बहुत लोग स्नान कर रहे हैं, जो कि इतने ठंड में कैसे स्नान कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, खिचड़ी पायस खाना है ये, अब खिचड़ी और पायस है, आपको जितना चाहिए आप उतना खा सकते हो, मैं तो 2 प्लेट खाया था, इतना टेस्टी लगा था केदारनाथ में वो ठंड के टाइम, मंदिर लेता हूँ पहले फिरेंगे हाँ, तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं मंदिर का प्रदक्षिण, मतलब मैं आपको पूरा का पूरा मंदिर एक बार घुमा के दिखाऊंगा, तो अभी चलिए घुमा के देखते हैं कैसा लगा। अभी यहाँ पर बहुत आदमियाँ है भाई, मतलब बहुत ही भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो गई यहाँ पर, मतलब मैं और क्या बोलूँ, मैंने सोचा था खाली खाली होगा, मगर आके देखा वो बिल्कुल भी उल्टा है, और जो सोनप्रयाग का जो पार्किंग है वो तो बिल्कुल भी फुल था, और हम और इसलिए हमको सीतापुर के पार्किंग में कार को रखना पड़ा, मतलब इतने आदमी आ चुके कि आपका कार रखने का भी जगह नहीं था सोनप्रयाग में, और सीतापुर भी तकरीबन फुल था और बहुत आदमियाँ थे, और हम लोग केदारनाथ में 1 नाइट, मतलब हम लोग केदारनाथ में 2 नाइट थे, पहले के दिन केदारनाथ के बेस कैंप में, और उसके बाद के दिन हम लोग केदारनाथ में ही थे, और उसके बाद हम लोग उतर गए। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर के पीछे, अब मैं आपको मंदिर के पीछे से मंदिर दिखा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, देखिए पीछे से मंदिर जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और सन बहुत ही अच्छा चमक रहा है जो मुझे लग रहा है, ठंड लग गई मुझे यहाँ आकर, ना आने में हालात ख़राब, आपने तो वीडियो में देख ही लिया, मतलब मैं तो वीडियो ही नहीं कर सका, इतना मेरा हालत ख़राब हो गया था। मंदिर का पीछे से लुक भी बहुत ही अच्छा है, अभी उस तरफ चलते हैं, यहाँ पर भीम बली है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, वहाँ पर घूम के जाकर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मंदिर के ऊपर फोकस करते हैं, चलिए चलो 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 तो अभी हम लोग मंदिर के पीछे आ रहे हैं गाइस, आपको दिख रहा होगा मंदिर के पीछे भी बहुत अच्छा, मतलब मंदिर के मतलब थोड़ा सा दूर से मैं आपको मंदिर का पूरा साइड व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा और शानदार खानदार चपनदार।
और गाइस हमारा ये वाला पत्थर बहुत ही अच्छा पत्थर है, ये बोनना को रुक दिया था, मतलब जो 2013 में जो बांध आया था इस वाले पत्थर ने बिल्कुल रोक दिया था, मतलब वो ऊपर से ग्लेशियर से बांध आया था। और इस तरफ पूरा का पूरा पहाड़ है। पहले रास्ता हमारे इस साइड में नहीं था, मतलब अभी जो नया रास्ता है वो बहुत ही चढ़ाई है, और पहले जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं था, इसलिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं होता था। और ये वाला रास्ता बहुत ही चढ़ाई है, और यहाँ पर घोड़ा और हेलीकॉप्टर ये दोनों ही सर्विस अवेलेबल है। बिल्कुल आपको गौरीकुंड से केदारनाथ आने के लिए घोड़ा लेगा शायद 2000 या फिर 2500, और हेलीकॉप्टर में पर हेड 5000। और मैंने तो हट के आया था ना, इसलिए मेरा कोई भी पैसा नहीं बर्बाद हुआ, मतलब हाथ के आने में तो हमारा दम ही निकल गया था, मतलब मेरा तो हालत बिल्कुल ख़राब। और ये जो लाइन बिल्कुल बहुत बड़ा लाइन है वहाँ पर, नीचे से इस मंदिर के नीचे से ही लाइन लाइन लगा है, और मैं बहुत नीचे से लाइन में खड़ा था। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाऊँगा मैं, बहुत नीचे, इसके बाद भी बहुत नीचे है लाइन है। और ये हम लोग आ चुके हैं सामने केदारनाथ मंदिर के, यहाँ पर भी पूजा चल रहा है बहुत ही अच्छे से। और पता है इस साइड में एक मुनि ऋषि बैठा था ना, उसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक सेल्फी लिया था, वो हर वक्त उस सेल्फी को लेकर रखते हैं, मगर जब लोगों ने फोटो खींचना शुरू किया था तब वो सेल्फी हटा दिए थे, हाँ ये वाला साधु जो है ना, सेल्फी इसके पानी था, मैं सेल्फी इसके पास ही था, अभी नहीं है, अभी जब हमने फोटो खींचना स्टार्ट किया तब फिर हटा दिया। और आपको कह जाना मंदिर दिख रहा है पूरा यहाँ से थोड़ा सा, हाँ और थोड़ा सा बस, बहुत लोग फोटो खींच रहे हैं, मतलब इतने आदमियाँ क्या बोलूँ भाई। और अगर आप इतना ऊँच तक चढ़ के आए हो ना तो आपको कौन होने ही नहीं वाला। इस थोड़ा साइड में, हाँ वो साइड में चला गया वो, अभी ये जो कि ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, ऐसे सामने से हट 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 गया। और अभी सामने आपको केदारनाथ का मंदिर दिख रहा है, तो अभी मैं भीमशिला के पास जाऊंगा, चलो भीमशिला देखते हैं। ओके तो अभी मैं आ चुका हूँ भीमशिला में, मैं आपको अभी भीमशिला दिखाऊंगा वो जो कि वो ऊपर है, तो देखिए भीमशिला। नहीं मेरा और कुछ नहीं हुआ है, मतलब मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैं ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर बहुत सारे साधु बैठे हुए हैं जो लोग कुछ तो कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, ये शायद पूजा कर रहे हैं, नहीं पूजा नहीं और कुछ कर रहे हैं, कुछ शायद गर्म कर रहे हैं। तो अभी चलो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शायद शिव बना रखा है पत्थर से, नहीं शिव तो नहीं बन सकता ऐसे पत्थर से। तो ये भीमशिला जो कि जो बाण मतलब जो हरका बाण आया था उसको दो हिस्से में भाग कर दिया था, और मतलब तीन हिस्सों में नहीं दो हिस्सों में, जो कि इस पत्थर को चीर के चला गया था और मंदिर को रुखसा कर लिया था, वरना मंदिर भी टूट जाता। और ये पत्थर यहाँ पर ही आगे रुका था इसलिए मंदिर बच गया। तो अभी मंदिर है, और थोड़ा सा दूर से क्लोजअप लेते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं पता, छोड़ो। तो अभी हम लोग भीमशिला के पास भी है, अभी मैं आपको और थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं शायद, ये जो आदमी बैठा था वो ध्यान कर रहा था, और ये ऊपर पास एक ग्लेशियर रहा था, और यहाँ पर कुछ काम चल रहा है शायद, अगर कभी भी वैसा बनना आए तो चलो अभी तो उतरने का टाइम आ चुका है, अभी हम लोग उतरेंगे। फाइलों के ऊपर ग्लेशियर देखो, बड़ा ग्लेशियर। बाबर जाए, बाबर मुझे मेरा लगती हो, चलो
मुझे मैंने लगी तो मुझे कौन सा सही है चुका थोड़ी देर रुको लाठी टूट जाएगा रुको जाते हैं ना अंदर क्या है ओ भाई कहाँ ऊपर से जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा है हेलीकॉप्टर वो वहां पर रहे सामने दिख रहा है हाँ वहां पर देखो हेलीकॉप्टर उसके ऊपर पर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर दिख रहा है। तो गाइस और एक चीज तो आज का जो हमारा ब्लॉग है वो मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ और एक उस पिक्चर से उस झरना क्या जब हम लोग गए थे उसके बाद सो बाय मैं आपसे मिलूंगा और किसी वीडियो में और नए किसी टॉपिक के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय।